केवल आंखों से आंसू बहाने पर भगवान का नाश किया पूर्व ही अपना भाव हो गया। इतने आसानी में ही साधन का देखने से किया है सारे अगर व्यक्ति ने सर अगर देखना तो इनकी गर्व को अवलोकन किए बगैर आप भक्ति को बाद में बोल ही नहीं सकते हो। जितने बड़े बड़े वृंदावन है बड़े ब्रह्मवादी यानी कर्मी है जब तक श्री रूप गोस्वामी का कहीं श्लोक का कोटेशन नहीं करते तब तक भक्ति के ऊपर में वो कोई विवेचना नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर किसी ने कोई ग्रंथ लिखा उनको उनको नोबेल पुरस्कार मिला कहा किया उनने चोरी किया रूप गोस्वामी की उज्जवल निर्मणि ग्रंथ उन्होंने चोरी किया है चोरी करके नोबेल पुरस्कार पाया क्योंकि जब उन्होंने भाव के दर्शन उपयोग किया गया भाव तिब्बत जो मान रोगियों में इतना भेद उन्होंने दिखाया उसको लिख करके उनको होटल गोल्ड फेडरेशन को मिल गया। इसलिए इनका नाम रूप है जो हर चीज को जो रूप प्रदान करे इसलिए सिर्फ रूप है। इसलिए श्री कवि करना बोलता है तो रूप का उन्होंने छड़ी लगा दिया यहाँ पर लिखा हुआ देख लो प्रिय स्वरूप दैव स्वरूप प्रेम स्वरूप सहजात रूप कटान रूप सुविलास रूप उन्होंने रूप का छड़ी लगा दी उन्होंने और उसमें एक विशेष करके ततान रूप ये ततान मतलब होता है तनु विस्तारे जो उन्होंने विस्तार किया बोले किस चीज के विस्तार किया इसलिए प्रचलित प्रभुपाद गुरुदेव कहते थे बोले तेने ब्रह्म निदाज आदि कवे मुच्छति जत सुरय सर्वप्रथम भगवान ये दिव्य ज्ञान किसको प्रदान किया बोले ब्रह्मा को गुरुदेव बोले नहीं ब्रह्मा मूल कवि नहीं है बोले मूल कवि कौन है बोले श्री रूप गोस्वामी है मूल कवि जिनको अभी महाराज बता रहे कि प्रयाग में जहाँ पर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु इसलिए गुरुदेव बहुत अच्छी बात गुरुदेव कहते थे बोले श्री रूप गोस्वामी जिसके लिए कहते हैं श्री चैतन्य मनमिष्टम स्थापितम जैन मुगले स्वयं रूप तथा मध्यम तथा पदार्थिगम जिन्होंने महाप्रभु का मन का अभिष्ट को जिन्होंने स्थापन किया है बोले उन्होंने कहाँ पर उन्होंने शक्ति संचार की गुरुदेव कहते थे उन्होंने प्रयाग में उन्होंने 10 दिन तक उनके हृदय में रस तत्व भक्ति तत्व ज्ञान तत्व जितने सारे तत्व महाप्रभु के हृदय में प्रवेश कराया गुरुदेव। और एक ही बात कहते थे जैसे पिताजी और गुरुदेव जी ने ऐसे करोड़पति का लेकिन जहाँ पर नजर में चाहिए रहता है रुपया रहता है उनको बहुत सारे बच्चे लेकिन सब बच्चों को ध्यान नहीं देते किसको देंगे जो उपजुक्त होगा जो उसको बिजनेस को चलाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते थे महाप्रभु ने इनके हृदय में उन्होंने चाबी का ही मतलब जब कई रूप शरीर आधार तब ब्रज प्रेम रूपी महादेव जी को सहित तो कौन उधार तो अगर रूप गोस्वामी नहीं होते तो उनको जो भक्ति का जो प्रेम की जो कुठरी है उनका भंडारा करना गुरुदेव कहते तो विशेष कहते दो दरवाजा है था बहुत सारे व्यक्ति होता है एक गुजर की बड़ी एक भक्ति रसा सिंधु जो भक्ति रसा मृत सिंधु है वो सारे भक्ति की सांप दास संख्या वात्सल्य मधुर सारे रस को विवेचना की लेकिन जो उज्जवल निर्मणि ग्रंथ है वो एक चक्र केवल श्री गौर वैष्णव से केवल जो श्रृंगार श्री उपासक है उन्हीं के लिए ये ग्रंथ है दूसरे के लिए वो ग्रंथ नहीं है। जिस लोग प्रतिज्ञा करते हैं जिनको केवल श्रृंगार रस में अधिकार वो ग्रंथ केवल वही पढ़े और दूसरे व्यक्ति ग्रंथ को नहीं पढ़े वो प्रतिज्ञा करते हैं वो ग्रंथ इसलिए उन्होंने उनके हृदय में स्मार उन्होंने शक्ति को उन्हें विस्तार करना इनके हृदय में ऐसे उन्होंने उन्होंने ज्ञान को प्रदान की आदि के रूप में यही है उन्होंने सारे दुनिया को प्रेम रस को दिया और प्रश्न है जो सबके स्वरूप रूपांतरण को चाहते कारण किया ये रूपांतरण में क्या किया थी ये चीज में श्री ये श्री में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ की रूपांत हो गए उन्होंने एक श्लोक बताया बोले बदी सनातक विभिन्न प्रसिद्ध श्लोक श्री हमारी जो ईश्वरी है वो श्रीजो की राधा है इसलिए सिर्फ राधा रानी की ये प्रिय लोग लगते हैं इसलिए हमारा जल्दी का संबंध ऐसे नहीं है हमारा ध्रुव संबंध है लेकिन हमारे स्वामिनी को है हमारे स्वामिनी है उनकी वो प्रिय लोग लगते हैं इसलिए हमारे साथ में संबंध है लेकिन कोई संबंध नहीं चलो भैया ललिता सखी को है जो ललिता सखी है राधा रानी के अंदर प्रिय अक्षरंग सखी है उनकी सेवा कभी श्री श्री ये निशा का सखी क्या लगती है कभी ये जुगल सेवा में
लिए अधिकार युगल सजा की सेवा की वह शिक्षा देने वाली ये है। तभी राधा को श्याम सुंदर और श्री गिरिराज गोवर्धन में क्या देखते हैं, पर ये देखते हैं कि जो युगल सेवा में जो अधिकार है ये गिरिराज गोवर्धन ही प्रदान करते हैं और श्री राधा को की सेवा के अधिकार प्रदान करते हैं। इसलिए रूपानुग तब की इसलिए बहुत एक अच्छा उदाहरण देते थे। अगर कृष्ण को बोलो भैया तुम है कौन, कृष्ण क्या बोले हम आत्मराम आत्मताम विष्णु ब्रह्मा का मालिक है, केवल इतना परिचय और कोई परिचय नहीं इनके पास में। अगर राधा रानी को पूछो तुम कौन है, बोले श्री श्याम सुंदर के चरण को दर्शन करते हुए बोले श्याम सुंदर हम श्री सेविका है। अगर ललिता निशा का पूछो वो कौन है, बोले राधा कृष्ण ब्रह्म और जुगल किशोर है, जुगल किशोर है। लेकिन ये धीरे धीरे कुछ रूपमा जी की कुछ तुम कौन हो, वो बोलेंगे ये इतने सारे ललिता निशा का प्रिया प्रियतम हमारी सेविका। अगर श्री लवन श्री रति मंजरी को पूछो वो बोले सारे सारे परिचय, कैसे नहीं नयना मणि मंजरी के पूछो भैया तुम एक और हाँ प्रभुपाद हो, वो बोले कि जितने युगल सरकार श्री ललिता निशा का रूप में जिनकी हम उनकी दासी है। अगर उनको पीछे श्री हमारे विनोद मंजरी को पूछो क्या बोले, बोले इनके सब दासी है। रमण मंजरी को गुरुदेव को पूछो क्या बोलेंगे, बोले सबका दास। अरे तीर्थ महाराज को पूछो बनवाहर को पूछो तो होगी क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे हम सबके 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 सब हम दासी के दासी के दास। लेकिन इसी जगत में जो दासी पद दासत्व वो घृणित पर है लेकिन वहां पर नहीं। क्यों कलयुग में स्वयं कृष्ण राधा जी के भाव पंक्ति से लेकर क्यों आए, कृष्ण सोच रहे हैं मैं स्वयं पूर्ण ब्रह्म सनातन में विश्व ब्रह्मांड का नाम रूप से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जब मैं राधा रानी का दर्शन करती हूँ राधा रानी का प्रेम मेरे से करोड़ों गुना ज्यादा राधा रानी को प्रेम की आस्वादन होता है। उसको नीचे जितने आती है ना वो रस बढ़ते 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 सबसे नीचे जो है वो सारे रस उनको प्राप्त होता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ये मंजन भाव से जब उन्होंने जगन्नाथपुर की छलांग लगाई जो उनको उठा दिया बोले भैया हम राधा कृष्ण मंजन रस के आस्वादन कर रहा जुगल से राधी। इसलिए हमारे जितने गोस्वामी भक्त केवल श्री रूपानुगत ही क्योंकि इनकी कृपा से ही वो सेवा प्राप्त हो सकता है। सत्य तृतीया द्वापर यहाँ तक देवता लोग भी शरीर में ही इंसान रूप में महाप्रभु की परिकल्प को प्राप्त करना चाहते बोले क्यों वो दुर्लभ प्रेम केवल महाप्रभु की धारा में प्राप्त होगा और वो कहीं नहीं प्राप्त होगा। और विशेष करके हम सबके सब ही है हमारे श्री रूपान सत्य जितना रूप में रूप गोस्वामी का दीदी जो हमारे भक्ति दर्शन का नारायण गोस्वामी का तीन तीन कभी एक कभी ऊपर में क्या इनको विवेचना नहीं था और किसी कहीं कहीं नहीं है। इसलिए हम सबके सब लोग ही हैं थोड़ी बहुत जो सुनने की मिल रहा है वस्तु तो बहुत दुर्लभ है लेकिन गुरुदेव कह रहे पहले लक्ष्य को नहीं करो लेकिन इस लक्ष्य हमारे स्थित क्या किसने किया है चलो भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज ने किए हैं। इसलिए हम सबके सब यही कहना हम नहीं बात कर रहे हैं।